हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब कई कई घंटों पर मुश्तमल पैतर पे पर मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं गुज्ता पांच रोज में पांच बड़े अहम इजलास हुए ज्वाइंट सेशन का अजलास चल रहा है और उसमें आज हमने देखा कि एहतजाजन साहब ने काफी गर्मा गर्म बात की और कुछ अहम नुकते उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान तनहाई का शिकार इसलिए हो रहा है कि नॉन एक्टर इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं और आपने खुद पाकिस्तान तन कर दिया है अब उनका इशारा किसकी तरफ था और आज एक अंग्रेजी अखबार में भी सरल की खबर शाया हुई और शाया होने के बाद जो है उस खबर की तरदीद भी हो गई हाँ पहले पहले उससे पहले ये कि फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग देते हैं सारों को और एज़ास्ट्रे. कहते हैं कि पाकिस्तान तनहा हो रहा है हुँ. ना सिर्फ तनहा हो रहा है बल्कि हमें चीन ने भी कहा है कि जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में मौकफ मौलाना मसूद अजहर के बारे में जो हमने रोका हुआ एक्शन वो ज्यादा देर तक हम नहीं करेंगे तो जब फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा तो सारे दम बखुद रह गए अखबार सुबह 6 बजे साढ़े पांच बजे मार्केट में आ जाती हैं सारा दिन जो है हिंदुस्तान की मीडिया उछाल उछाल के इस खबर को चला रहा है मुझे डॉक्टर साहब वो सुबह सुबह एक एक फोन आ गया मैं एक इंडियन टीवी चैनल से वो जी खबर आई है तो उस पर आप करेंगे मैंने कहा मैं मसरूफ हूं मैं बात नहीं कर सकता मैं इस खबर पर क्या तबसरा यहाँ पे खबर आते साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसी किस्म की स्टोरी लगा दी तो वहां पर ये, ये आ रही सारा दिन आप कुछ नहीं कहते या जहां पे आपका मीडिया सेल जो है जब मन घड़ित चीजें करने लग पड़े तो एकदम किसी पे यलगार करना हो तो मेरे ख्याल वो अटैक करने में देर नहीं करते पूरा शाम शाम को आपकी वो तरदीद आ रही है लाहौर से कि जी ऐसी चीज नहीं हुई मतलब आपने बात कह भी दी उसकी तशहर भी कर दी उसका जीनत जो है पूरे इंटरनेट और अगर इंडिया में गया है तो इसकी बाजगश्त बाहर कि मीडिया में भी गई होगी जरूर गई होगी और शाम को आप चलने नहीं, नहीं, तो मन घड़े तो ऐसी कोई बात हुई नहीं डॉक्टर साहब ये तो कोई ममलिकत के कारोबार चलाने सही का, का ये कोई जरिया तो, बंद कमरों में हर चीज पे होने चाहिए पर इस चीज का तशहर और ये तशहर की गई है ये एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद की गलियों में से उसे खबर कहीं नीचे सड़क पे नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि ये मैंने देख लिया है या उन्होंने सेटेलाइट से कैमरा लगा के उस मीटिंग की रुदात कैप्चर नहीं की ये उनको बताया गया है ये उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है जो खबर के मतन से साफ जाहिर होता है उसमें कोई शक नहीं रहता अब जिसने किया है आप अपनी तरफ से उन्होंने कमाल होशियारी दिखाई होगी पर नुकसान जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कौन का है अब एक बात है कि इनकी अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक तारीख है कि इनको सस्पेशन और कोई जहन में फौजी इदारों के बारे में है आपको याद होगा वो जो मशहूर जमाना स्टेटमेंट जुनाब परवेज रशीद की कि हम गुलेल वालों के साथ खड़े होंगे या दलील वालों के साथ खड़े होंगे ये जाहिर हो जाएगा मतलब पूरी मिलिट्री को उन्होंने गलील वाले कह के कर दिया इस वक्त जब पाकिस्तान को हर तरफ से एक आवाज सुनने को मिल रही है अमेरिका हमेशा से डूमोर कहते हैं हकानी नेटवर्क के खिलाफ दूसरी कल आदम तनजीमों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उड़ी हमले के बाद रूस ने भी बात की चाइना ने भी दबे लफ्जों में बात की और भी हमें सुनने को मिल रही है तो ये सारी चीजों में इस वक्त जो गवर्नमेंट की ये जो मीडिया पॉलिसी हमें नजर आ रही है इस इन की की, टाइमिंग की इस तरह इनकी तो देखिये इन, इनकी तो ये तो चलाकी लगती है कि ये ऐसे कर देखिए डॉक्टर साहब ये मौके पर अगर कोई है चीजें बैठ के तमाम जो जो है आ, फौज हकूमत फॉरन ऑफिस बैठ के गए प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं ये है पाकिस्तान का जो तासर है इम्प्रेशन जो है खराब क्यों हो रहा है ये ये चीजें आड़े आ रही है हमें इनके लिए ये हिकमत अमली देनी चाहिए सर इसमें मीडिया को इस्तेमाल करने का तो कोई जवाब नहीं बनता अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कुछ पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो वाइट टू यूज मीडिया एंड देन इस वक्त जो हम देख रहे हैं गैर मोहताद अंदाज जो हमें हुकूमत का नजर आ रहा है जिसपे आज हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर में हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ भी नए मुकर हो रहे हैं इन तमाम चीजों की टाइमिंग्स आप किस तरह देख रहे हैं फिर मुंबई हमले की भी उन्होंने बात की कि उस तरह के ट्रायल्स को भी जो है वो नजर के मुताबिक अब अब वो, वो डिनाई कर रहे हैं और पठानकोट हमले की भी उन्होंने बात की किया जाए इनकी टाइमिंग्स बड़ी अजीब सी है उधर भारत को भी हम आखे दिखा रहे हैं और हम ये बातें भी कर रहे हैं सर देखिए ना अब मैं क्या अब देखिये ना शाह पता नहीं क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए दो चीज़ें सवार हैं हैकूमत के जहन पे एक पैनामालिक्स उससे वो वो तवज्जो हटाए हट जाए और एक अगर हम पे कोई प्रेशर है नवंबर की अपॉइंटमेंट के बारे में तो वो प्रेशर हट जाए और हम अपना फैसला सादर कर सकते ठीक है तो दो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ प्रॉब्लम पैनमा है और इंडिया में प्रॉब्लम कश्मीर है और दोनों तरफ कोशिश हो रही है कि डाइवर्ट कर दी जाए इन दो बातों के ऊपर गौर ना किया जाए ठीक तो आइसोलेशन का जो तासर है उसको जायल करने की जरूरत है अया साहब अब ये जो सारा कुछ हो चुका खबर आई तरदीद भी हो गई जो जिन्होंने इससे फायदा उठाना था वो फायदा उठा चुके अब आइसोलेशन के तासुर को दूर किस तरह किया जाएगा हमारी क्या कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसके क्या तकाज़े हैं? सो so, उससे पहले आप मुझे अगर आप इजाजत दें मैं फिर से कहूँगा ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से अभी वो जो डिनाइल आई है कि ऐसे नहीं है और पहले आएस... पंजाब से आई थी प्राइम मिनिस्टर मतलब पूरा दिन इन्होंने वो ढोल वो सारा वो बजता रहा है पीटता जा रहा है और आप शाम को आके ये तरदीद करते हैं इनका जो एटीट्यूड है जो अस्करी इदारों के बारे में अफसोस से कहना पड़ेगा ये तब्दील नहीं हो रहा मुझे लेकिन ये जो आ, हमारा आ, पुरानी तनजीमत के हवाले से जो तसुर है इसके बारे में पाकिस्तान को डॉक्टर साहब कुछ करना चाहिए। अच्छा सर मेरा इसमें इख्तलाफ सिर्फ इतना सा आता है कि जो करंट कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्स्ट है जो हम अभी कश्मीर की बात करते हैं उससे इन तनजीमों का इन लोगों का कतन कोई ताल्लुक नहीं है इनके खिलाफ हमें हमें किसी किस्म की तफरीक नहीं करनी चाहिए वो जो गुड और बैड कहा जाता था देर ऑल द सेम हम हमको सबके खिलाफ जाना चाहिए लेकिन करंट कॉन्टेक्ट में इनका कोई रोल नहीं है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है कश्मीर मूवमेंट कश्मीर अच्छा सर, सर आइसोलेशन के हवाले से एक चीज और सर आइसोलेशन जो दुनिया की आइसोलेशन तन, तन तनाइत की बात की जाती है उसमें मुफादात का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक पाकिस्तान का इस वक्त क्या मफाद है और जो सुपर पावर्स हैं जो रियली सुपर वेव्ड बनाती हैं दुनिया में बहुत अहम नुकता हैं बहुत अहम उनका क्या मुफाद है अगर हमारा मुफाद उनके खिलाफ जा रहा है तो फिर आप जितनी मर्जी अच्छा फॉरेन ऑफिस बना लें जितने अच्छे आप अपने एम्बेसडर्स वहां पर बना लें तो वह फिर आइसोलेशन में आप चले ही जाएंगे मजबूरन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है एक तो मफाद का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि हमारे मुफादात किसी हद तक दुनिया की सुपर पावर्स के साथ नहीं मिल रहे इस वक्त एक तो वो कमजोरी और दूसरी इतनी बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन ऑफिस में एंबेसिडर हम भेजते हैं वो इस पर्पज के लिए नहीं भेजे जाते कि आपने कौमी मुफाद को आगे जाके किस तरह बढ़ाना है वो तो जाति मुलाजमीन होते हैं इनके जाति जो तबक़ा है उसका क्या इंटरेस्ट है उस मुल्क के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज हैं या पैसे है या किस तरह कंट्रोल करने हैं या किस तरह हमने एल एनजी की डील्स करनी है उस हिसाब से एम्बेसिडर भेजा जाता है वहां पे तो हमारी ये डबल जेपटी दो, दो कमजोरियां सामने आ जाती हैं एक तो हमारे मुफादात जो है हम अपने कौमी मफादा अलाइन नहीं कर पा रहे जो ताकते हैं दुनिया में इस वक्त और दूसरा ये है कि हमारे जो अम्बेसडर्स जाते हैं जो लॉबिंग करना जिनका फर्ज है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते सिवाय हुक्मरान तबके की आ, ये जो डॉक्टर साहब नुकता उठा रहे हैं शाजिया देखिए हम अफगान जो पहला जिहाद था वो जयाल्हक हम अपना एटमी प्रोग्राम जारी और रख रहे थे अमेरिका को अमे उस पर तशवीश थी लेकिन अमरे मजबूरी अमेरिका ने आंखें जो हैं बंद रखी क्योंकि हम अफगानिस्तान में हमारी जरूरत थी जो ही अमेरिका वो अफगान प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं एक सिमत में गया अमेरिका वहां से निकला उन्होंने एक दम जैसे वो हथोड़े मारने लग पड़ते हमारे एटमी प्रोग्राम पे और साइमिंगटन अमेंडमेंट प्रेसलर अमेंडमेंट वो उसको इन इफेक्ट लाके और सारी एड जो है पाकिस्तान की बंद कर दी तो वो बात है इस वक्त अफगानिस्तान में हमारे जो हैं वो वहाँ पे उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही और मु, मुर्दे इल्जाम जो है वो पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं ये बात बिल्कुल इस हद तक ठीक है लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ हमारे एक दो बड़े काबिल एहतराम जो माँ हैं जिनका एक ख़ास नुकतः नजर है इंडिया के साथ जद्दोजहद उनके नाम मशहूर हैं आम हैं हिंदुस्तान में वो हमारे काबीना के फर्द जो हैं उनके नाम नहीं जानेंगे पर एक दो नाम जो हैं वो इस, उनके नाम वो बखूबी जानते हैं उनकी जब फोटोज आती हैं कि वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो उस चीज को फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है हमें इसका कुछ ना कुछ क्योंकि हमारी लाख दलीलें एक तरफ और एक वो जो, जो उनके दो जो मां में से या तीन जो मां में से एक की फोटो आ जाए वो हजार दलीलों के बराबर हो जाती है और जो कुछ जानते भी नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में वो कहते हैं आप ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये करें है। इसमें हमें थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है ये जो हालिया उड़ी पे जो हमला हुआ उसके बाद की जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान पे ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये करना और रूस भी कह रहा है अमेरिका कह रहा है सर क्रॉस बॉर्डर का लफ्ज किसी क्रॉस बॉर्डर इस्तेमाल नहीं किया के, के ये पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसकी सॉयल उसकी सरजमीन इस्तेमाल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल सर ये इल्जाम है ये अच्छा इल्जाम नहीं है अब रूस से हमारे तलेक ठीक हो रहे हैं हमको कहना चाहिए रूस है जी आप गलत कर रहे हैं पर अगर रूस भी हमारी बात ना माने अमेरिका भी हमारी बात ना माने अमेरिका से चले हमारा झगड़ा अफगानिस्तान पे होगा या हमारे मुफादात एकदम जो है यकसू नहीं है कोई डिफरेंस होगा लेकिन सारी दुनिया जब कहे तो हमें कुछ ना कुछ फिर ख्याल करना चाहिए कि ये इल्जाम हम पे क्यों लग रहा है